अब टेंशन देखिएगा सरकार हम लोगों को क्या क्या फौटा है सबसे आप वहां भट जाइए और भटने के बाद आप लड़िए आपस में उसके बाद आप जाइए कोर्ट में जाइए हम इतना ही कहेंगे उनसे ये क्या आप भारत का जो संविधान है ये कहती है कि आप खून की नदियां भाग दीजिए रोड पे कहां पे जा रहा है ऐसा कहीं मेंशन है नहीं नमस्कार मैं नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थी तो याद होंगे आपको जी हां वही मेरिट धारी और नॉन मेरिट धारी जो 5 सितंबर को सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे थे और साथ उनको मिला था तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव का भी साथ मिला था और उन्होंने कहा था कि आपकी मांग को लेकर हम सरकार से लड़ेंगे और आपका हर संभव हम मदद करेंगे ऐसे में हम लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार मेरिटधारी अनिल श्रीवास्तव जी का बात हो या फिर मेरिटधारी किसी भी अभ्यर्थियों की बात हम कर रहे हैं कुछ दिनों से हम नॉन मेरिटधारी अभ्यर्थियों की भी बात कर रहे थे आज हमारे पास क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी अभ्यर्थी मौजूद है और ये तमाम सबूत लेकर आए हैं कि क्या कुछ खेल चल रहा है एसटीटी में मेरिटधारी और नॉन मेरिटधारी के बीच में क्या कुछ खेल चल रहा है इन्हीं से जानेंगे स्वागत है सर थैंक यू सर आपका जो चैनल है NBC 24 को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शशांक जी आपको कि आपने सभी का आवाज़ जो है इक्वली रूप से रख रहे हैं हर जगह हर चैनल के माध्यम आप सभी जगह रख रहे हैं और उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्या क्या खेल है एसटीटी जो मेरिटधारी नॉन मेरिटधारी क्या खेल जो कर रहे हैं या कुंदन जी कर रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं या फिर अनिल श्रीवास्तव जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सबको और पार्टी कार्यालयों में जाकर नेताओं से मिल रहे हैं क्या क्या खेल क्या है सबसे पहले तो देखिए इसके लिए ना ही कोई भी अभ्यर्थी इसका दोषी नहीं है जो भी खेल चल रहा है ग्राउंड लेवल पे और बिहार में जो भी देख रहे हैं बिहार की जनता भी देख रही है इस खेल को इसके लिए कोई भी कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है सारा खेल ये सरकार का किया गया है जी सरकार जो है जब 12 मार्च को एक रिजल्ट प्रकाशित करती है जिसमें 12 विषय का रिजल्ट दिया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि 24,598 अभ्यर्थी क्वालिफाई है और सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई है जब सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई है तो फिर सब बाहर कैसे हो गए 21 जून को एक रिजल्ट का मॉडिफाई करते रिजल्ट को उसमें 2 कॉलम ऐड करते एक मेरिट का एक नॉट इन मेरिट का तो ये चीज आप सडनली कैसे ये कर दिए नॉट इन मेरिट और मेरिट का तो कहीं ना कहीं इस बीच में क्या हुआ ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा 12 मार्च के बाद आप 12 मार्च को जो डेटा था आपके पास था विभाग आपका है आप उस दिन दे सकते थे कितना अभ्यर्थी क्वालिफाई तो 12 मार्च को आप जब करें 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ फिर ये डेटा कैसे 80,000 बढ़ा पहला प्रश्न ये उठता है दूसरा है सीट से कम आप बोलते हैं अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ तो फिर जो आप रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो सभी विषय आप रिक्ति कैसे घोषित कर रहे हैं रिक्ति कैसे हो गया ये भी अभी तक किसी को जवाब नहीं मिल पाया तो आप कहीं कहीं देखिएगा सरकार हम लोगों को क्या क्या बांटा है सबसे पहले आप वहां भट जाइए और बांटने के बाद आप लड़िए आपस में उसके बाद आप जाइए कोर्ट में जाइए ठीक है और फिर कोर्ट में जाने के बाद मामला क्या होगा कोर्ट में चलेगा कोर्ट का फिर आदेश आएगा अभी रुक जाइए अभी पहले सुनवाई होगी तो कहीं कहीं बाहरी लगभग फंसाने का और लंबे समय तक जाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा की है तो इस तरह से लेकिन लगातार जो है मेरिटधारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार उनका कमेंट भी हमारे पास आ रहा है कमेंट कर रहे हैं कि पत्रकार साहब क्या आप अपने बच्चों को मेरिटधारी शिक्षकों से पढ़ाना पसंद करेंगे या नॉन मेरिटधारी शिक्षकों से क्या ये मेरिटधारी और नॉन मेरिटधारी मतलब खेल क्या है ये समझाइए हमारे दर्शकों देखिए ये तो हमारे जितने भी एसटीटी का अभ्यर्थी है चाहे वो जो भी ऑल क्वालिफाइड है 80,000 में जो भी आते हैं उनको तो कहीं से डरने की बात नहीं मेरिट नॉट इन मेरिट का बात ही नहीं है सबसे पहली बात अगर किसी को लगता है जो कि हम मान लीजिए सरकार गिरा देंगे अपना मेरिट का बात करता है या जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है सभी मेरिट में है अब बाकी नहीं किसी को सबकी नौकरी पक्की सबकी शिक्षा मंत्री के द्वारा सबकी नौकरी पक्की है ऐसा कहा गया आप सब भी देखे आपके चैनल पे भी चला ये चीज सबकी नौकरी पक्की है तो ये जो कुछ मेरिट वाले लोग हैं अपने आप को मतलब कह रहे हैं हमको बहुत सारा भाषा का ज्ञान है तो हम यहाँ भाषा का ज्ञान से मतलब नहीं है जो योग्यता रखते हैं उस एसटीटी को देने के लिए वही लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और कहेंगे वो उस अर्हता को कंप्लीट करके एग्जाम देने के लिए आए और वो क्वालिफाई किए परीक्षा को पास किए परीक्षा को पास करके आए तो आप उंगली कैसे उठा सकते हैं सबसे पहली बात और जहां तक आप कहते हैं एक तरफ कहते हैं संविधान का हाथ में लेने का बात करते हैं अनिल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम कानून हाथ में ले लेंगे
धुआं धुआं कर देंगे, सरकार गिरा देंगे। यहाँ तक कि ये मेलधारी के तरफ से ये भी आरोप लगा कि शिक्षा मंत्री अशिक्षित हैं, उनको किसी चीज की किसी मतलब कैसा भी उनको नॉलेज ही नहीं है शिक्षा का, वो फूट मूट का शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। देखिए शशांक जी, ऐसा है कि बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो सभी को अपनी आजादी है बात बोलने की आजादी, लेकिन बोलने का एक मर्यादा है। अब शब्द का जो चयन करते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो जो बता रहे हैं जो कि अनपढ़ गवार बहुत तरह का बात किया जाता है, हम इतना ही कहेंगे उनसे कि ये क्या आप भारत का जो संविधान है ये कहती है कि आप खून की नदियां बहा दीजिए रोड पे, कहाँ पे कर रहा है ऐसा, कहीं मेंशन है नहीं है। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, आप शिक्षक अभ्यर्थी है, आपका शब्द से पता चल रहा है आपके आप कितना भाषा का ज्ञान रखते हैं, हमको ऐसा ही लग रहा है सर जो उसको किसी एक भाषा का पूर्णतः ज्ञान नहीं है, ऐसा ही हमको लग रहा है, सभी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के जो है वो रख रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा के ज्ञान से नहीं, जो मतलब सभी नाव में अपना पैर रख रहे हैं, नाव में सवार होकर आगे नहीं, आप सरकार को कैसे गिरा दे, आप शिक्षा मंत्री को कह रहे कुछ नहीं, हम तो शिक्षा मंत्री अभी तक हम बहुत बार मिल चुके हैं, कब मिले लास्ट टाइम, कब मिले लास्ट टाइम, रिसेंट में हम ये बृहस्पतिवार को मिले हैं, मिल के आए जी बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं ना कि मेरे चैनल पे आके बोले कि नहीं हम शिक्षा मंत्री, हम कहते हैं शिक्षा, हमको कहीं परिचय नहीं देना पड़ता, चाहे शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग अपर सचिव हो संजय सर, हमको परिचय नहीं देना पड़ता, हम इतना बार गए कि हमको बात कैसे पहचान गए, क्या बात हुआ क्या कुछ बात हुई ये बताइए। शिक्षा मंत्री से बातचीत, उनका कहना है कि आप क्वालिफाइड हैं और जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है सबको नौकरी लगेगी, सीट इंक्रीज होगा, हम सर्टिफिकेट का मांग किए शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी का कहना था आपका बहाली जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब हम जनवरी से बहाली स्टार्ट होगा तो आप लोग को बिना सर्टिफिकेट का तो हम बहाली कर नहीं सकते, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, आप क्वालिफाइड है तो आपको मिलेगा क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि 26 को एक लेटर जारी किया गया था 26 जून, ठीक है, तो वो शिक्षा मंत्री जी का है, अगर कोई लेटर जारी होता है तो उसको आगे फॉलो किया जाता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी इक्वल है, 80,000 जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सभी इक्वल है, सबको नियोजन में जाने का मौका मिलेगा। और नियोजन संजय सर के माध्यम से हम बहुत बार मिले हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी बिहार के एसटीटी अभ्यर्थी अभी सुनेंगे इसको या सुन रहे हैं तो उन सबको हम बताते हैं कि जो हम सचिवालय से क्या अपडेट लेते हैं वहाँ जो मिलते हैं वो क्या करते अधिकारी वो भी आपको बता रहे हैं। तो संजय सर का स्पष्ट कहना है जो बहाली हम लोग का जो है 7वां चरण का वो सेंट्रलाइज और ऑनलाइन तरीके से होगा, ठीक है, उससे पहले बोले थे जनवरी में बहाली जो है 7वां चरण का स्टार्ट होगा, तो शिक्षा मंत्री जी 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोल रहे हैं 7वां चरण का जो बहाली है बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो कहीं से इसमें बात ही नहीं, शिक्षा मंत्री जी आकर के बोल रहे हैं और कोई कह रहे हैं अनपढ़ गवार है, तो हम तो रोज मिल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से, कहीं से हमको नहीं लगते हैं आप इतने पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री है और इनके बारे में इस तरह का शब्द का प्रयोग करना एक शिक्षक अभ्यर्थी को शोभा नहीं देता है। बहुत सारे सबूत लेके आए हैं, क्या कुछ पेश करिएगा आज? देखिए बहुत लोग जो है सर मेरिट की बात ये एडवर्टीजमेंट का बात करते हैं, विज्ञापन का बात करते हैं, यहाँ तक बात होती है कि विज्ञापन में एक बिंदु इधर से उधर हुआ तो हम बिहार में धुआं धुआं कर देंगे, बिहार में मतलब सड़कों को जाम कर देंगे। ये जो है सर विधानमंडल का एक लेटर है जिसमें संदीप सौरभ जो माननीय विधायक है ये, ठीक है, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था विधानसभा, ठीक है, स्पष्ट पूछा गया था क्या सबकी नौकरी पक्की है क्वालिफाइड का जी, तो वहाँ पे एक रिप्लाई दिया जाता है, आंसर में दिया गया है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं, देखिए संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी, तो मतलब विज्ञापन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, आप विज्ञापन को पढ़िएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबको सरकार नियोजन इकाई में भेजेगी, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके सारा चीज होगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जो संजय सर हमको बता है वो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के अभ्यर्थियों को बता रहा है, ऑनलाइन होगा सेंट्रलाइज तरीके से होगा, कहीं आपको नहीं जाना है, आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, एक बार करना है आपको च्वाइस भी दिया जाएगा उसके अनुसार आपका एसटीटी में क्वालिफाइड अभ्यर्थी कितने हैं, एसटीटी में 80,000 समथिंग क्वालिफाइड अभ्यर्थी, रिक्तियां कितनी, रिक्ति देखिए विज्ञापन के अनुसार जो विज्ञापन में दिया गया 37,000 समथिंग, 37,000 है, सबकी नौकरी कैसे पक्की, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया सबकी नौकरी पक्की है, कैसे मतलब कैसे पक्की होगी ये बताइए, ये जो विभाग के द्वारा मंत्री जी के द्वारा और अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के संजय सर उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सीट इंक्रीज किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 70,000 प्लस सीट जाएगा उनके अकॉर्डिंग, ये ऐसा नहीं कि हमारा स्टेटमेंट, अगर कोई भी अभ्यर्थी जाएंगे सचिवालय तो उनको भी ये बात बताएंगे, ठीक
ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं और उनका कहना है कि ऑल सब्जेक्ट को लेकर के उतना नहीं है, सब में हमको कैंडिडेट ही कम हो जाएगा, दो सब्जेक्ट है CS और सोशल साइंस, इसमें हम लोग को थोड़ा सोचना है। तो इस पे स्पेशल जो संजय सर हैं, जो शिक्षा विभाग इस पे वर्क कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। इसको लेकर के हम संजय सर को सुझाव भी दिए हैं अपने तरफ से, जिसमें सुझाव ये दिया है सर, जो एक बिहार गजट है, देखिए जो बिहार गजट में दिया गया है सर, माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक ये सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो दो होना चाहिए। तो इस अगर इसको ध्यान में रखा जाएगा, दो शिक्षक, ये बिहार गजट है, इसको ध्यान में रख करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर फॉलो किया जाए, उसमें स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है 30:1 है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो जितने भी हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट है सबकी नौकरी पक्की नौकरी सुनिश्चित हो सकेगी सर, अगर इसको ध्यान में रखा जाए। ये हम लोग संजय सर को रिटर्न में दे चुके हैं सर, ये चीज़ संजय सर बोले भी, अगर इसको सही बात है, इसको करेंगे सीट 70,000 के आपका 1,00,000 से प्लस भी जाएगा अगर इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर फॉलो करते हैं। मतलब कि अब आपको ये उम्मीद है कि सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ये कहीं पे हम लोग को विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा और शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा अगर ऐसा बोला जाता है तो विश्वास तो हमको करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ये जो नॉन मेरिट और मेरिटधारी का जो खेल चल रहा है, अभी मेरिटधारी अब कह रहे हैं कि हम लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, अगर हमारी नौकरी नहीं होगी तो हम आत्मदाह करेंगे, उससे भी बड़ा काम जो होता है वो भी हम करेंगे, आत्मदाह करने के लिए अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे। देखिए, जो कानून तो हाथ में लेने का हमारा संविधान यह आदेश नहीं देता है, कानून हम हाथ में लेंगे, इसलिए इसके लिए न्यायालय खुली हुई है, थाना है, इसके लिए हम लोग को न्याय कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कलम से क्रांति करने वाले हैं और हम लोग कलम से अपनी मांग को रखेंगे और जा करके मिलेंगे शिक्षा मंत्री जी से, अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे, आज तक हम लोग शांतिपूर्वक ही मांग को रखे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहेंगे, जो संजय सर जो हम लोगों को कहे हैं, एक बताया गया था जो एक लेटर जो 26 को जारी किया गया था उसमें बताया गया था दोनों इक्वल हो गया, लेकिन उसको अभी तक फॉलो नहीं किया गया है, मतलब हम लोग समय सीमा भी दिया गया था अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है ये कॉलम जो है ये हट जाएगा, लेकिन अभी आप BSEB का वेबसाइट खोलिएगा तो स्कोर कार्ड से अभी भी नहीं हटा है, तो आप नहीं हटा है। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग के जो भी सुनेंगे इस बात को कि आप समय सीमा दिए, हम अगस्त आपका इंतजार कर लिए, ये सितंबर खत्म हो रही है, ठीक है, तो हम लोग अगर इस मंथ में सितंबर में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, कॉलम हटा करके आप सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी नहीं करते हैं, इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं, सर्टिफिकेट हम लोग को कब तक मिलेगा, तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं, तो सभी से मिल रहा है, अगर आश्वासन मिल रहा है तो हम लोग उस पर विश्वास करके हम लोग रुकते हैं, लेकिन जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक और फिर से हम लोग सरकार तक अपना बात को पहुंचाएंगे और अपनी मजबूती को दिखाएंगे। चलिए, तो ये STT के अभ्यर्थी थे, अपनी बातों को रख रहे थे, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करें, अपना सवाल हमको बताएं और हम उसे सरकार तक पहुंचाएंगे, आपकी हर सवाल को हम सरकार से पूछेंगे। STT अभ्यर्थी जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, मेरिटधारी और नॉन मेरिटधारी का जिस तरह से खेल चल रहा है, पहले इन लोगों को आपस में लड़ाया गया, फिर अब इनका जो केस है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है, आप लोग का मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा है, कोर्ट भी उस पर सुनवाई कर रही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, सुनवाई हुआ है कि नहीं अभी? अभी तक हम लोग का एक हियरिंग नहीं हुआ है अभी तक। कितना दिन हो गया? लगभग ये जून में हम लोग का केस जो हुआ है, जो कि उसमें अभी तक एक सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का केस लिस्टिंग हुआ है अभी तक सुनवाई। और मंत्री जी कहते हैं कि जब आप केस कर ही दिए हैं तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं? देखिए, केस हम लोग को मजबूर किया जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी नेता बनते हैं, ये भी कहते हैं, हम लोग तो शिक्षक बनने के लिए आए थे, हम लोग एग्जाम पास किए, हम लोग शिक्षक बनने के लिए आए, नेता नहीं, लेकिन नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन आप ही लोग नेता बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं, हम लोग को नहीं सुनिएगा तो हम लोग को अपना बात तो रखना ही पड़ेगा, अगर बात रखते हैं आकर के तो आप अगर उसको नेता कहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं, नेता भी बनाने का काम आप ही लोग कर रहे हैं, ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं चाह रहे, तो सिर्फ नौकरी चाह रहे हैं। तो सुना आपने, ये शिक्षक हैं, ये नेता बनना नहीं चाहते,
नेता तो नेता इनको बना रहे हैं, जो मंत्री है, जो विधायक है, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षक तो नेता बन जाए और सड़कों पर हंगामा करे। अगर आपकी कोई परेशानी है या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखे और हम उस सवाल को सरकार से पूछेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।